हेलो एवरीवन, आई एम यश फ्रॉम व्यास अकेडमी और इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टेक साइंस ऑफ क्लास 4 और कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 5 जो कि है एडेप्टेशन ऑफ द प्लांट। इन अवर लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था अबाउट द एडेप्टेशन और टाइप्स ऑफ प्लांट्स, कितने टाइप्स के होते हैं, जिसमें हमने डिटेल से टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया था। और अब आज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन कैटेगरी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो लेट्स बिगिन फ्रॉम कैटेगरी नंबर 1, टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट। एंड नंबर 1 इज इन द प्लेन्स। जैसा कि हमने लास्टली बात की थी कि प्लेन्स मतलब बहुत बड़े बड़े मैदान, तो उसके अकॉर्डिंग इस टाइप की कैटेगरी की क्या फीचर्स होते हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट इट। प्लेन्स मीन्स लार्ज एंड फ्लैट एरिया ऑफ द लैंड। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि प्लेन्स मीन्स प्लेन का मतलब ही यही होता है कि बहुत बड़े बड़े मैदान जहाँ पर क्या हो, बिल्कुल समतल ज़मीन हो, और वहाँ पर इजीली वहाँ पर प्लांट्स क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। प्लांट्स हैव लॉट ऑफ ब्रांचेस विद द ब्रॉड ऑफ लीव्स। और यहाँ के इस कैटेगरी के जो प्लांट्स होते हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं हाइट में, और वहाँ पर क्या होता है, उनकी जो ब्रांचेज होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। ब्रांचेज मतलब तो आप समझते हैं कि पेड़ों की जो अलग से शाखाएँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, और इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो भी काफ़ी साइज़ में बड़ी होती हैं। तो इस कैटेगरी की प्लांट्स की ये फीचर्स होते हैं। मैनी ऑफ देम सर्वाइव इन अ हॉट मंथ एंड शेड मोस्ट ऑफ द लीव्स इन समर। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी गर्मी यानी कि बहुत हॉट मंथ्स में भी सर्वाइव अच्छे से कर लेते हैं। मीन्स आपने देखा होगा कि जब भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो कुछ प्लांट्स या कुछ ट्रीज़ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सूख जाते हैं, मतलब कि उनका जो कलर होता है वो एकदम फीका हो जाता है, लेट मी एक्सप्लेन, क्रीम कलर का हो जाता है। सारी लीव्स जो हैं वो क्या हो जाती है, झड़ जाती हैं प्लांट्स में से या फिर ट्री में से, और वो बिल्कुल बंजर सा आपको दिखाई देता है, केवल ब्रांचेस रह जाती हैं और स्टीम जो है वो रह जाता है, और बिल्कुल जो डार्क कलर का होता है वो एकदम लाइट कलर का हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं नॉर्मल भाषा में कि ये प्लांट जो है वो अब डेड हो गया है। तो इस कैटेगरी के प्लांट जो है, इसमें से कुछ प्लांट जो है वो काफ़ी समर में भी सर्वाइव कर लेते हैं, और मेनी ऑफ देम जो होता है, बहुत सारे उनमें से जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, गर्मियों के टाइम पर जो है अपनी पत्तियों को पत्तियों को क्या कर देते हैं, अपने आप से अलग कर देते हैं। हम कह सकते हैं शेड मोस्ट ऑफ लीव्स इन समर। अब लास्टली कुछ एग्जांपल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे इन द कैटेगरी ऑफ द प्लेन्स के बारे में। मैंगो, नीम, साल, सैंडलवुड। तो इस कैटेगरी की जो प्लांट्स होते हैं बच्चों, आपने देखे भी होंगे, मैंगो ट्री है, नीम ट्री है, तो ये जो है इस कैटेगरी के प्लांट्स होते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं कैटेगरी की नंबर 2, इन डेजर्ट। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि रेगिस्तान, क्योंकि हम डेजर्ट को हिंदी में रेगिस्तान के नाम से जानते हैं, मतलब बहुत कम बारिश, बहुत जो अर्थ सरफेस है वहाँ पर भी सॉइल की जगह पर क्या मिलने वाला है, सैंड। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1, वेरी लेस रेनफॉल, बहुत कम बारिश होती है यहाँ पर। प्लांट एडोप्ट देमसेल्फ टू लिव इन ड्राई कंडीशन। जो वहाँ पर जितने भी कैटेगरी के प्लांट्स होते हैं बच्चों, उन्होंने अपने आप को एडोप्ट कर लिया है कि वो वहाँ पर कम पानी, कम बारिश में भी क्या करेंगे, डेवलप करेंगे और अपनी लाइफ कंटिन्यू करेंगे। और जो अब प्लांट्स के बारे में कुछ बात करते हैं, प्लांट्स हैव आइदर डोंट हैव एनी लीव्स और हैव फ्यू ऑफ देम। यहाँ पर जो प्लांट्स पाए जाते हैं वहाँ पर या तो बिल्कुल पत्तियाँ नहीं होती हैं उन प्लांट्स की, या फिर अगर हैं तो बहुत थोड़ी सी ही होती हैं। तो जो डेजर्ट ही कह सकते हो प्लांट्स जो होते हैं, वहाँ पर बहुत कम पत्तियाँ उन प्लांट्स में पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस कैरीड आउट इन दिस काइंड ऑफ प्लांट्स इन द ग्रीन स्टीम। बच्चों, यहाँ पत्तियाँ तो होती नहीं है। इन अवर लास्ट चैप्टर हमने डिस्कस किया था फोटोसिंथेसिस, जो कि क्या होता है, ऐसी प्रोसेस है जिससे प्लांट अपना खाना बनाता है, और खाना बनाने के बाद ही वो क्या कर सकता है, जिंदा रह सकता है। तो अब डेजर्ट में जो प्लांट पाए जाते हैं वहाँ पर क्या होता है, अब बहुत कम पत्तियाँ होती हैं या फिर होती ही नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे होगी, तो वो कैसे होती है, स्टीम के थ्रू। यानी कि स्टीम क्या होता है बच्चों, जो भी उसका पेड़ का तना होता है, उसके जो ग्रीन कलर का होता है, मेनली ज़्यादातर वहाँ पर ग्रीन कलर के होते हैं स्टीम्स का कलर, तो वहाँ पर कंटिन्यू कंप्लीट होती है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लास्टली, लीव्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन टू रिड्यूस वाटर लॉस। अब बच्चों, वहाँ की जो लीव्स होती हैं, जितनी भी थोड़ी बहुत हैं, थोड़ी बहुत नहीं भी हैं, तो वो बहुत थोड़ी से ना
थोड़ी सी चौड़ी टाइप से होती है, बहुत सारे उस पर कांटे लगे हुए होते हैं और थोड़े है ना आप कह सकते हो बड़े बड़े पत्तों की तरह होती है, चपटी होती है। तो उस सिचुएशन में यहाँ पर क्या कोशिश करता है प्लांट कि कम से कम वाटर का क्या हो वहाँ पर उसे लॉस हो। तो ज़्यादा से वैसे भी वाटर जो है बहुत कम मिलता है और जो थोड़ा बहुत मिला है उसे वो भी सेव करके रखना होता है। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई वो प्लांट यही करता है। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं हम इन दिस कैटेगरी ऑफ डेजर्टी प्लांट्स के बारे में, कैक्टस, प्लम एंड बबूल ट्री। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं ऑन द माउंटेन्स, पॉइंट नंबर 3 पर मूव करते हैं और जानते हैं कि इसके बारे में किस तरह की फीचर्स होते हैं इन द कैटेगरी ऑफ माउंटेन ट्री से। यूजुअली दे आर टॉल एंड स्ट्रेट। बच्चों ज़्यादातर माउंटेन्स में क्या होता है, जो भी प्लांट्स या ट्री डेवलप करते हैं वो बहुत एकदम सीधे होते हैं हाइट वाइज, और ज़्यादा कम ब्रांचेस उनमें पाई जाती हैं क्योंकि उसका स्टीम जो होता है वो बहुत लंबा ऊंचा तक होता है और जो उनका शेप होता है वो एकदम स्ट्रेट होता है और जो ब्रांचेस होती हैं वो बहुत अपसाइड पाई जाती हैं। सेकंड वन, कुछ ऐसे कैटेगरी के प्लांट्स भी होते हैं जैसे कि आपने देखा होगा कि क्रिसमस ट्री को आपने देखा होगा, तो वो भी माउंटेन्स के एरिया में भी एक एग्जाम्पल आप समझ सकते हो कैसा होता है। तो स्टीम जो होती है उनका एकदम स्ट्रेट होती है और जो ब्रांचेस होती हैं वो उसी स्टीम से थोड़ी बहुत निकली हुई होती हैं, फ्रॉम द डाउन साइड भी हो सकती है और अप साइड भी हो सकती है, डिपेंड करता है प्लांट टू प्लांट। नेक्स्ट मूव करते हैं पॉइंट पर, शेप्ड लाइक अ कॉन सो दैट स्नो कैन ईजिली स्लाइड ऑफ देयर लीफ। जो इनका स्ट्रक्चर होता है बच्चों पत्तियों का वो ऐसा होता है कि एक तो उन पर जो प्लांट है उसका स्ट्रक्चर और उनकी लीव्स का स्ट्रक्चर दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं प्लांट से रिलेटेड, तो उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो कौन जैसा होता है, जैसे कि आप बर्थडे पर एक सेलिब्रेशन में जो कैप पहनते हैं उसका शेप भी कैसा होता है, कौन से रिलेटेड, तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। उसकी ये फीचर इसलिए है ताकि कभी कभार अगर बारिश के साथ साथ स्नोफॉल होती है यानी कि बर्फ गिरती है तो उस सिचुएशन में जो बर्फ है वो इजीली क्या हो उस प्लांट से स्लाइड अप होकर के डाउन साइड लैंड पर गिर जाए। अगर जो स्नो है प्लांट के लीफ पर या ब्रांचेस पर अटक जाएगी तो उस सिचुएशन में वो प्लांट क्या करेगा, धीरे धीरे डेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी और ज़्यादा अगर नहीं हो पाएगी तो वो धीरे धीरे डेड होने लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, दे हैव वैक्स कवरिंग ऑन द लीव्स। बच्चों वैक्स कवरिंग से रिलेटेड ये है कि उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो थोड़ी सी चिकनी चिकनी होती हैं, एकदम स्लाइड जैसे एक वैक्स चढ़ा हुआ होता है मोम की तरह। तो उस पर क्या होता है कि जो भी स्नोफॉल है या जो भी वाटर की जो थोड़ी बहुत बूंदें हैं वो क्या इजीली स्लाइड ऑफ हो जाती हैं और वो प्लांट जो है कवरिंग उसके ऊपर कोई अलग से कोई कवर नहीं होता है ताकि वो क्या हो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट कर सके। कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, पाइन, फिर और डोडर। तो ये कुछ कैटेगरी है जो कि है माउंटेन्स। तो इन अवर वीडियो हमने पढ़ा इन द प्लेन टाइप के कैटेगरी प्लांट्स, फिर डेजर्ट और फिर माउंटेन्स। तो ये 3 कैटेगरी पढ़ी है। नेक्स्ट मूव करेंगे हम वीडियो में और कैटेगरी से रिलेटेड। तो इस वीडियो में आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।